सपना इस टाइम हमें बाहर नहीं आना चाहिए था। कितना अंधेरा हो रहा है, तुम्हारी इज्जत की वजह से मुझे बाहर आना पड़ा। क्या हो गया रिया, तुम खुद बताओ। हम फार्म हाउस के अंदर पैक होने के लिए आए, इतना अच्छा वेदर हो रहा है, बाहर आएंगे ठंडी ठंडी हवाएं खाएंगे। हमने सोचा था फार्म हाउस शाम तक पहुंच जाएंगे, पर हमारी कार का टायर पंचर हो गया, इस वजह से हमें पहुंचते पहुंचते रात हो गई और तुम तो मुझे अंदर लेके बैठ गई। मुझे फार्म हाउस के अंदर बैठे बैठे सफोकेशन हो रही थी, मेरा मन कर रहा था मैं ताजी ताजी हवा खाऊं, बस इसी वजह तुम बाहर लेके आई हूँ। चलो तुमने ठंडी ठंडी हवा खा ली ना, अब हम अंदर चलते, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हें डरने की क्या बात है यार, यहाँ से डॉगी की कितनी आवाज़ें आ रही हैं, किसी डॉगी ने काट लिया तो फिर हमें 14 इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। पुराने जमाने की बातें हो गई, तुम्हें डॉगी नजर आ रहा है? मेरा डॉगी कहीं भी नहीं है, कहीं दूर से आवाज़ आ रही है। तुम्हारी तो ऐसी फटती रहती है, तुम खुद भी डरती हो मुझे भी डरती हो। तुम क्यों जिद कर रही हो, अब अंदर चल लेते हैं। तुम तो मुझे बाहर लेके आ गई फार्म हाउस के, यहाँ आसपास कोई भी नहीं है, अगर हम कहीं भटक गए तो हम कहीं छोटे बच्चे हैं जो रास्ता भटक जाएंगे। तुम कैसी बातें कर रही हो यार। सपना में तुम्हारी बात मानते मानते दूर तक आ गई ना, अब तुम मेरी बात मानो, हम यहाँ से लौट चलते हैं। नहीं रिया, मैं भी कहीं नहीं जाने वाली, थोड़े आगे चलो फिर हम वापस चलेंगे। सपना तुम जिद क्यों कर रही हो यार, मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है, मुझे लग रहा है कुछ खतरा है यहाँ पे। कोई खतरा वतरा नहीं है, तुम्हारा वहम है और कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें जाना है तुम चली जाओ, मैं अभी नहीं आने वाली। यार मैं रात में तुम्हें अकेले कैसे छोड़ के चली जाऊँ, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, मैं सेल्फिश नहीं हूँ, फिर चुपचाप मेरे साथ चलती जाओ। सपना वो देखो कोई पापा हमारे करीब आ रहे हैं, तो क्या हुआ, हम क्यों डरे? बेटा अच्छा हुआ आप दोनों मुझे यहाँ मिल गई, मैं चलते चलते बहुत दूर आ गया हूँ। बेटा मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, कुछ गुंडों ने मेरी बेटी को घेर लिया था, उसकी बहुत पिटाई की, उसकी जान खतरे में, मुझे कुछ खाने पीने का दे दो वरना उसकी जान चली जाएगी। चल बुड्ढे अपना रास्ता ना, आप यहाँ से निकल, लड़कियाँ देखी नहीं कि लड़कियों के पीछे पीछे आ गया। बेटा तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं तुम्हारा पीछा करते हुए नहीं आया, मैं बहुत दूर से चलता हुआ आया हूँ, तुम यहाँ आके मुझे मिली, मेरी मदद कर दो, एक गिलास पानी कुछ खाने को दे दो वरना मेरी बेटी की जान चली जाएगी, मैं भी चल चल के थक गया हूँ बेटा, प्लीज मेरी मदद कर दो। बुड्ढे तेरी समझ में नहीं आता, कहाँ है ना, हम तुझे कुछ नहीं देंगे, निकल यहाँ से। मैं तुम दोनों को श्राप देता हूँ, तुम लोगों ने मेरी मदद नहीं की, अब तुम लोग भी कभी खुश नहीं रहोगी, बहुत पछताओगी तुम दोनों बहुत। सपना रुक जाओ, हम अंकल की हेल्प कर देते हैं, मुझे अंकल बहुत मजबूर लग रहे हैं, मुझे लग रहा है बाकी इनको हमारी मदद की जरूरत है। रिया तुम चुप हो जाओ, ऐसे लोगों से सिंपैथी करने की कोई जरूरत नहीं है, बस चुपचाप चलती जाओ। एक साल बाद रियाज, हम पूरे एक साल के बाद मिल रहे हैं, तुम कहाँ गायब हो गई थी, तुमने मुझे कॉल भी नहीं की, मैं तुम्हें कॉल भी करती तो मेरी कॉल रिसीव ही नहीं करती थी। सपना मैं तुम्हें क्या बताऊँ, उस रात जो फार्म हाउस पे हमारे साथ हादसा हुआ वो बात मैं भुला ही नहीं भूल पाई, रोज रात में ड्रीम में मेरे वही बुड्ढे अंकल आते हैं कि मेरी मदद कर दो, हमने उस रात उनकी मदद नहीं की थी, ये बात मेरे माइंड से निकल ही नहीं पा रही, मेरा किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा, मैं बहुत परेशान हूँ। रिया तुम पागल हो गई हो, मुझे ऐसा लगता है तुम्हें साइकेट्रिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है, ऐसा क्या हो गया तुम्हारे साथ? अब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बुड्ढे अंकल ने हमसे मदद मांगी, हमने मना कर दिया, दैट्स इट, और जो उन्होंने श्राप दिया था उसका क्या, हम पे लगा उनका श्राप नहीं लगा ना? शाप नहीं लगा, इस बात पे तुम लोग खुश हो, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम दोनों की वजह से मेरी और मेरे पापा की जान गई, अगर उस रात तुम मेरे पापा की मदद कर देती तो आज हम दोनों जिंदा होते। सपना भूत भागो, रिया चुप हो जाओ, ये कोई भूत भूत नहीं है, कोई हमारे साथ प्रैंक कर रहा है, इसने कहीं कैमरे लगाए होंगे, कहाँ है तुम्हारे कैमरे, निकालो सामने। मैं कोई प्रैंक नहीं कर रही हूँ, मैं भूतनी हूँ भूतनी, तुम्हारी दोस्त ने सही पहचाना, मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। उस रात फार्म हाउस पे तुम्हें एक बुजुर्ग मिले थे ना, वो और कोई नहीं मेरे पापा थे, उन्होंने मेरे लिए मदद मांगी थी और तुम दोनों लड़कियों ने हमारी मदद नहीं की, इस वजह से उस रात हम दोनों की मौत हो गई, मुझे पानी की बहुत ज़रूरत थी और मेरे पापा डायबिटीज़ के पेशेंट थे, चलते चलते बहुत ज़्यादा थक गए थे, पानी और खाना ना मिलने की वजह से पापा और मेरी मौत हो गई, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। अब मैं तुम दोनों को भी जीने नहीं दूंगी, जब हम इस दुनिया में नहीं है तो तुम लोग को भी जीने का कोई हक नहीं है, मैं तुम दोनों को मार दूंगी। अब जो कोई भी प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, हमें छोड़ दीजिए। रिया तुम पागल हो गई हो, ये तुम कैसी बातें कर रही हो, मैंने तुमसे कहा है ना कि कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं है, ये हमारे साथ मजाक कर रही है। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच में चुड़ैल हूँ, मैं कल लौट के आऊँगी, कल अमावस की रात है, कल मेरी शक्तियाँ 100 गुना बढ़ जाती हैं, कल मैं आऊँगी तुम दोनों को मार दूंगी, आज जितना जीना है जी लो। हमारे पास की रात है ना, हम इतने दूर चले जाएंगे तुझे कहीं नहीं मिलेंगी, ये भी करके देख लो तुम लोग कहाँ छुपोगी, मैं दुनिया की किसी भी कोने से तुम लोग को ढूंढ निकालूंगी, मैं तुम लोग को नहीं छोड़ूंगी, मेरे पापा ने तुम लोग को सिर्फ श्राप दिया था श्राप, मैं ऐसे छोटी मोटी चीज़ें नहीं करूंगी, मैं तुम लोग को मार दूंगी और बहुत दूर भेज दूंगी। प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, हमें पता होता कि आपकी जान को खतरा है तो हम ज़रूर आपकी मदद करते।
अब पछताने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम लोग को माफ कर दूंगी? मुझे अपनी जान गंवाने का कोई गम नहीं है, पर तुम लोग की वजह से मैंने अपने पापा को खोया है। अब मैं अपने पापा से इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए उनका बदला तो मैं लेके रहूंगी किसी भी कीमत पे। मेरे पापा मेरी दुनिया थे, तुम लोगों की वजह से मैंने अपने पापा को गंवा दिया। तुम लोग अगर पापा की थोड़ी मदद कर देते, उनको पानी दे देते, कुछ खाने का दे देते, तुम लोगों का क्या चला जाता? अभी तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, पर मैं लौट के जरूर आऊंगी। सपना, जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। मैंने उस दिन भी तुमसे कहा था कि किसी के साथ इतने हार्श वर्ड यूज मत करो, अगर हम उस बुजुर्ग की मदद कर देते तो हमारा क्या चला जाता। तुमने कितने गुस्से में उनको झटक दिया था, उनके साथ कितनी बदतमीजी की थी। अब उनकी बेटी हमें नहीं छोड़ेगी, हमें मार के ही दम लेगी। चुप हो जा तुम रिया, खुद भी डरती हो, मुझे भी डराती हो। रिया, मुझे तो अभी भी यही लग रहा है कि वो लड़की कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं थी, कोई हमारे साथ प्रैंक कर रहा है, हमें उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा है। तुमने देखा नहीं है आजकल गली गली कोने कोने में हर कोई प्रैंक वीडियो बना रहा होता है, उनमें से ही कोई होगा हमारी फिरकी ले रहा होगा। नहीं सपना, जो मैंने उस चुड़ैल की आंखों में देखा वो शायद तुमने नहीं देखा। उस चुड़ैल की आंखों में गुस्सा था, डर था, वो सच्ची में एक चुड़ैल थी। वो अपना बदला जरूर लेगी हम दोनों से, हम दोनों को मार देगी। हमें यहाँ से चलना चाहिए। रिया, अब तो तुम खुश हो ना, मैं तुम्हें घर में लेके आ गई हूँ, अब तुम सेफ हो। तुम्हें क्या लगता है सपना कि वो चुड़ैल के घर में नहीं आ सकती? उस चुड़ैल ने हमसे क्या कहा था कि हम दुनिया किसी भी कोने में चले जाएंगे, वो हमें ढूंढ निकालेगी। ये तो फिर भी तुम्हारा एक घर है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मुझे अपनी दीदी के पास जाना है। प्लीज सपना, मुझे मेरी दीदी के पास छोड़ आओ। रिया, तुम पागल हो गई हो, तुम्हारा दिमाग सही जगह पे। इतनी रात में मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ने जाऊंगी? तुम जानती हो कि मेरे पास कोई कारोबार नहीं है। चुप हो के आज मेरे घर स्टे करो, कल देखा जाएगा तुम्हें तुम्हारी दीदी को किस तरह पहुँचाया जाए। नहीं सपना, मैं तुम्हारे घर में स्टे नहीं कर सकती, मुझे अपनी दीदी के पास जाना है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर रिया तुम्हें अपनी दीदी के पास जाना है तो अपने रिक्स पे जाओ, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं जाऊंगी। मैं पागल होती रात में तुम्हें छोड़ने जाऊं फिर अकेले वापस आऊं? मैंने कहा है चुपचाप आज मेरे घर में स्टे कर लो, कल तुम्हें छोड़ दूंगी तुम्हारी दीदी के घर। नहीं, मुझे दीदी के पास जाना है, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चुड़ैल हमारे आस पास है। रिया, तुम सच में पागल हो गई हो, मुझे तुमसे मिलने आना ही नहीं चाहिए था। वही अच्छा था, एक साल से तुमसे जान छुट्टी हुई थी, पता नहीं कहाँ से तुमने मुझसे कांटेक्ट किया, मिलने चली आई। मेरी जिंदगी में सुकून था जो क्या तुमने बर्बाद कर दिया। सपना, इसमें मेरी क्या गलती है? तुम तो सब कुछ मेरे पे डाल देती हो। तुमने मुझे कॉल की थी, तुमने कहा था कि आज मिलने आ जाओ, इसलिए मैं तुमसे मिलने पार्क में आई। मुझे पता था कि हमें कोई चुड़ैल मिल जाएगी, अब वो भी कौन चुड़ैल, जो उस बुजुर्ग की बेटी है। ठीक है सपना, तुम्हें नहीं आना तो मत आना, मैं अपनी दीदी के पास जा रही हूँ। क्या हुआ? रिया, जब से तुम अपनी फ्रेंड के पास से वापस आई हो, कमरे में अपने आप को लॉक कर लिया है, सब कुछ ठीक तो है ना? तुम्हारी हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं? ऐसे लग रहा है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ, कुछ हुआ है? तुम्हारे साथ कुछ हुआ है तो मुझे बताओ, यूँ चुप खड़ी ना रहो। दी, मैं आपको क्या बताऊँ कि आज हमारे साथ क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया जो तुम्हारी चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई हैं? दी, आप जानती हो ना कि मेरी बेस्ट फ्रेंड सपना से मिलने गई थी। मैं सपना से मिलने गई, वहाँ में एक चुड़ैल मिली, और पता है वो चुड़ैल कौन थी? एक साल पहले मैं और सपना फार्म हाउस गए थे। दी, आपको याद होगा ना? हाँ हाँ, मुझे याद है। आपको याद है मैंने आने के बाद आपको बताया था कि वहाँ में एक एजेंट अंकल मिले थे, उन्होंने हमसे मदद मांगी थी। सपना ने बात सुने बगैर उनको झटक दिया था, उनको टाट दिया था, उनको भगा दिया था। आज उन अंकल की बेटी मिली हमें चुड़ैल के रूप में। उसने हमसे कहा कि हमने उनकी मदद नहीं की, इस वजह से उन दोनों की जान चली गई, उसी वक्त उन दोनों की मौत हो गई। दी, सब कुछ इस सपना की वजह से हुआ है, और अब भुगतना हम दोनों को पड़ेगा। दी, हम दोनों को फेस करना होगा, इसमें तो मेरा कोई कसूर नहीं है। दी, जाते हुए चुड़ैल ने हमसे कहा है कि कल अमावस की रात है, वो कल आएगी और हम दोनों को अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाएगी। दी, मुझे नहीं मरना। दी, प्लीज मेरी मदद करो। दी, मैं क्या करूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सपना इन बातों को सीरियस नहीं ले रही, उसको लग रहा है कोई हमारे साथ प्रैंक कर रहा है। सपना पागल हो गई है। रिया, तुम जानती हो ना हमारे मम्मी पापा ने हमें क्या सिखाया है कि जब कोई हमसे मदद मांगे तो उसकी मदद करो। तुमने उस वक्त उसकी मदद क्यों नहीं की? दी, मैं मजबूर थी, सपना ने मुझे उसकी हेल्प नहीं करने दी। रिया, मैं तुमसे शुरू से कहा करती थी कि सपना मुझे एक अच्छी लड़की नहीं लगती, वो सेल्फिश है, हर काम में सिर्फ अपना मतलब देखती है। वो किसी ने तुम्हें भी इस्तेमाल कर देगी और छोड़ देगी, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। लेकिन छोड़ो, तुम डरो मत, जब तुमने कुछ किया नहीं है तो वो चुड़ैल तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। नहीं दी, उसने हम दोनों को धमकी दी है कि कल वो लौट के आएगी और हमें मार देगी। दी, दी मुझे बहुत डर लग रहा है। दी, वो चुड़ैल कल हमें मार देगी। दी, मुझे नहीं मरना। दी, दी क्या मैं आज की रात आपके साथ सो सकती हूँ आपके रूम में? ये तुम पहले रोना मन करो, कब से रोई जा रही हो, रो रो के तुमने अपना हाल बुरा कर लिया। दी, मैं क्या करूं, पहले वो बुजुर्ग मेरे माइंड से नहीं निकल रहे थे, अब वो चुड़ैल, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पागल हो जाऊंगी। दी, ये तो अपने माइंड से सारी बातों को निकाल दो और आराम से सो जाओ। दी, कैसे निकाल दूं? मैं इन सारी बातों को भुलाने की बहुत कोशिश करती हूँ दी, लेकिन जैसे ही आंखें बंद करती हूँ सारा मंजर मेरी आंखों के सामने आ जाता है, और अगर गलती से मेरी आंख लग भी जाए तो ड्रीम में भी यही सब कुछ आता है। दी, दी मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत जल्द पागल हो जाऊंगी। दी,
जी आप ये बात अच्छे से जानती हो कि मम्मी के जाने के बाद मैंने हमेशा आपको माँ माना दी। आपने हमेशा मुझे अपने बच्चों की तरह रख कर दी। जी आपसे मुझे दूर नहीं जाना दी, मुझे बचा लो दी। कौन तुम्हें मुझसे दूर कर रहा है? रियाज जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ उन सबको भूल जाओ। दी कैसे भूल जाऊँ, नहीं भूल पाई दी मैं। दी मैं सपना की तरह नहीं हूँ। सपना सेल्फिश हो सकती है पर मैं नहीं। उस वक्त मैंने बहुत चाहा था कि मैं वो अंकल की मदद करूं पर सपना ने मुझे रोक दिया। जब तुम्हारी गलती नहीं है तो तुम क्यों डर रही हो, क्यों घबरा रही हो? अभी तुम रिलैक्स करो, सो जाओ। इन सब बातों के बारे में मत सोचो, सुबह देखिए क्या किया जाए। दी पीछे देखो, तुम्हारे पीछे चुड़ैल है दी। वो मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गई, हमारे घर तक दी। अब ये मुझे अपने साथ ले जाएगी। रिया तुम पागल हो गई हो, पीछे कोई भी नहीं है। दी तुम्हें क्यों नहीं दिख रही चुड़ैल? वो देखो हमारी विंडो पे बैठी है दी। वो मुझे लेने आई है, वो मुझे ले जाके ही दम लेगी। रिया जब तुमने कुछ किया नहीं है इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। इस बात को वो चुड़ैल भी समझेगी। सब कुछ किया सपना ने और तुम्हारे पीछे पड़ी वो चुड़ैल। मुझे तो वो चुड़ैल दिख नहीं रही। अगर वो चुड़ैल मुझे दिख जाती तो मैं उसको सारी बात बता देती। मैं क्या करूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सारे काम करती फिरती है सपना और हमेशा फंस जाती हो तुम। याद है तुम्हें वो कॉलेज डेज की बात, जब तुम और सपना हॉलीडे पर जा रहे थे और उसकी कार से एक्सीडेंट हो गया था, उसमें बच्चे की डेथ हो गई थी। सपना ने सारा ब्लेम तुम पे डाल दिया था और फंस गई थी तुम 3 महीने जेल में रह के आई थी। हाँ दी मैं कैसे वो बात भूल सकती, पर मैं क्या करूं? सपना मुझे हमेशा फंसा देती है और बातें बना देती है। मुझे लगता है शायद वो इनोसेंट है। रिया मैं अभी भी कहती हूँ उससे बात आ जाओ, तुम बहुत पछताओगी। दी आखिरी बार बचा लो, मैं तुमसे वादा करती हूँ। दी मैं सपना के पास भी नहीं जाऊँगी, मैं उसे दोस्ती खत्म कर दूंगी। दी रिया मैं क्या करूँ, मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे जीजू भी आउट ऑफ कंट्री गए हुए हैं, वो होते तो शायद हमारी कोई हेल्प कर पाते। दी आप जीजू को कॉल करो, उनसे कह दो कि हम भी उनके पास आ रहे हैं। रिया मेरा वीजा तो लगा हुआ है, पर तुम्हारा वीजा, तुम कैसे जाओगी मेरे साथ? रिया तुम्हारे पास वीजा नहीं है लंदन का, इसी वजह से मैं यहाँ रुकी। तुम्हारे जीजू जिद भी कर रहे थे कि मेरे साथ चलो, पर मैं जानती हूँ ना तुम मेरे बगैर नहीं रह सकती। अच्छा बताओ क्या खाओगी? मुझे लग रहा है तुमने कब से कुछ नहीं खाया। दी मुझे भूख नहीं है। ऐसे कैसे भूख नहीं है? देखो मैंने तुम्हारे चिकन का चरखा बनाया है, पिज्जे का इंतजाम है, कबाब बनाए, कुछ तो खा लो। दी मुझे सच में भूख नहीं है। रिया इस तरह तुम बीमार पड़ जाओगी, कुछ खाओगी पियोगी नहीं तो तुम्हारा दिमाग भी काम नहीं करेगा। कुछ खा लो, आराम कर लो, फिर हम सोचते हैं। दी क्या सोचेंगे? वो देखो चुड़ैल फिर से खिड़की पे आ गई। दी मुझे समझ में नहीं आ रहा वो चुड़ैल तुम्हें क्यों नहीं दिख रही। दी हमारे पीछे ही है। दी जब तक ये चुड़ैल मुझे लेके नहीं जाएगी ये तुम्हें भी तंग करती रहेगी। दी इससे अच्छा मैं उसके साथ चली जाती हूँ। पागल हो गई हो? आईने ऐसी बात की ना तो अच्छा नहीं होगा। तुम मेरी जान हो, मेरी जिंदगी हो। दी मैं क्या करूँ? दी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने सपना के साथ दोस्ती रखी। दी मैं तो उस दिन को कोसती हूँ, काश उस दिन हमने अंकल की हेल्प कर दी होती तो आज जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो कभी ना होता। रिया पछताने से क्या फायदा, जो होना तब हो गया। तुम टेंशन मत लो। नहीं दी अब कुछ नहीं हो सकता, ये चुड़ैल मुझे अपने साथ ले जाएगी। थी दी मैं जा रही हूँ। रिया रुको मेरी बात तो सुनो। मैं सपना को कभी माफ़ नहीं करूंगी, सारा किया धरा सपना का, और भुगत कौन रहा है? मेरी मासूम बहन रिया मेरी जिम्मेदारी है। मम्मी पापा के जाने के बाद रिया को मैंने पाल पोस के बड़ा किया है, उसको मैंने अपने बच्चों की तरह रखा है। मैं अपनी बहन को यूँ घुट घुट के जीते हुए नहीं देख सकती। मेरी बहन हर रात मरती है, मुझे अपनी बहन के लिए कुछ करना होगा। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।